Welcome back to the channel. This is Kritika Pandey, third year BMS student, and in this video I'm going to be telling you about the three secret hacks by using which you can cope up with the language related issues in the BMS course. So without further ado, let's jump to the video. Talking about my struggle, it was really hard for me because 2019 mein jab maine admission liya to mujhe koi bhi clue nahi tha is course ke bare mein ki itni sari cheeze hindi mein hone wali hain, sanskrit mein hone wali hain, aur jo hindi hoti thi wo normal hindi nahi hoti thi, wo sanskrit originated hindi hoti thi, to bahut zyada dar lagta tha usko dekh ke. Aur pehli jo क्लास हुई थी हमारी, उसके बाद ही मैंने सोच रहा था कि मैं ये कोर्स आगे लेके नहीं जाऊंगी, मुझे करना ही नहीं. और मैं फिर नीट प्रिपरेशन का सोचने लगी थी क्योंकि उस टाइम ठीक से गाइडेंस नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि कैसे आपको फेस करना है वो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज जो आपको आने वाले हैं, कोई अब बताने वाला नहीं था. सो मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाना चाहिए. ये टॉपिक छोटा लगता है बट आपकी फाउंडेशन डेवलप करने में, स्पेशली बीएमएस कोर्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ट्रस्ट मी, जो 90% बच्चे बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं वो सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से होते हैं, तो उनके लिए ये लैंग्वेज बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हो सकती है. तो आप ये मत सोचो कि हाँ सिर्फ आप ही हो जो आप फेस करने वाले हो, इतना सारा स्ट्रगल करने वाले हो. मैक्सिमम बच्चे ये वाले इश्यूज फेस करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको नहीं रहना है. एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर इंफीरियर माइंडसेट के साथ आप किसी भी कोर्स में एंटर करते हो तो वो आपको कभी भी ईजी नहीं लगेगा. अगर आपने सोच ही लिया है कि वो हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उसमें तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है. बट अगर आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाते हो और आप सीखने की कोशिश करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है. फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रिमूव दिस आइडिया फ्रॉम योर माइंड दैट हिंदी और संस्कृत इज गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू. बिकॉज जब हम कोई भी नई लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो हम उसे एज अ चैलेंज भी तो ले सकते हैं. हम ये सोच सकते हैं कि हमारे लिए हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, हम पहले दिन से ही ट्राई करेंगे एक नई लैंग्वेज सीखने की. क्योंकि अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करने जाते हैं, अगर रशिया या फिर किसी दूसरी कंट्री में आप एडमिशन लेते हैं, तो वहां की भी नेटिव लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती. और कोई भी कोर्स आप करने जाते हो तो जरूरी तो नहीं है कि वहां पर सब कुछ ऐसा मिले जो आपको सीखना ना पड़े, सब कुछ आपको पहले आता हूं. कुछ चीजें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर. ओके, मैंने रिसेंटली डॉक्टर रश्मि पटेल की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि वो 12th तक गुजराती मीडियम से थे और इंग्लिश उनके लिए बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थी. बट जब एमबीबीएस में गए तो थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर उन्होंने काफी स्ट्रगल फेस किया था इंग्लिश को लेके. बट उस टाइम वो अगर ऐसा माइंड सेट बना लेते कि हाँ मुझे तो ये लैंग्वेज आएगी नहीं और मैं थोड़ा सा इंफीरियर हूँ बाकी बच्चों के कंपेरिजन में, तो उनका नहीं हो पाता उस टाइम. बट आगे उन्होंने पीजी क्रैक किया एंड वो अभी जनरल सर्जरी कर रहे हैं एम्स से. तो ये कितनी बड़ी बात होती है. इट्स जस्ट कि अगर आप अपने फियर से ओवरकम कर जाते हो तो वो आगे आप जाके बहुत अच्छा करोगे. सेकेंड थिंग इज कि आपको बुक की रीडिंग कैसे करनी है और कैसे वर्ड्स को तोड़ तोड़ के और उनको डिवाइड करके उनको पढ़ना सीखना है. सो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक श्लोक का रखा है, ये दशा के फंक्शन का श्लोक है. तो इसमें आपको देखना है कि कैसे हम डिवाइड करें और फिर उनकी मीनिंग कैसे जाने. मीनिंग आप पता कर सकते हो अपने टीचर से, अपने सीनियर से, क्लासमेट से, या फिर गूगल करके, जहां से भी आपको पता चलता है, या फिर डिक्शनरी से, जिस आपको मीनिंग ढूंढनी है. एंड मेक श्योर कि आपको सारे के सारे वर्ड्स की मीनिंग पता हो. जो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो कभी भी अगर आप कोई रीडिंग लगा रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप किसी ना किसी से उस वर्ड की मीनिंग पता करो, क्योंकि वो सब वर्ड्स आपको परेशान करेंगे सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी. वो सब वर्ड्स आते ही जाएंगे और वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए. इससे बेटर है कि आप फर्स्ट ईयर में ही वो सीखने की कोशिश करो. सो यहाँ पे एक शो का दिया हुआ है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे. एंड फर्स्ट लाइन में यू कैन सी देर आर 5 टर्म्स विच आर उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा एंड वेग प्रवर्तन. इन सब में हमको क्या करना है कि इनको डिवाइड करने के बाद आपको एरोज लगाने हैं एंड एरो के साथ साथ उनकी इंग्लिश या हिंदी मीनिंग जो इजी वर्ड है जो आप समझ सको वो लिखनी है, बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है. अगर जैसे आप देखो उत्साह का मतलब होता है एंथुजियाज्म, तो वो यहाँ पे नोट डाउन कर दिया. देन उच्छ्वास, इट इज एक्सहेलेशन. देन निश्वास, विच इज इनहेलेशन. एंड देन चेष्टा, चेष्टा इज वॉट मूवमेंट ऑन एनी काइंड ऑफ लोकोमोशन, स्लीपिंग, वेकिंग, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड देन लास्ट इज वेग प्रवर्तन, विच मीन्स नेचुरल अर्जेस. ठीक है, ठीक है. और ये सब नोट डाउन करने के बाद ऐसे ही हर एक इम्पॉर्टेंट श्लोकास के साथ आपको करना है. ये मैं नहीं बोलूंगी कि हर श्लोका के ऊपर लिख लो, पर जो ये इम्पॉर्टेंट श्लोकास है उनके ऊपर आपको मीनिंग लिख के रखनी है. एंड थ्रू आउट द ईयर जब भी आप वो सब्जेक्ट पलटो, जब भी आप
का वो चैप्टर आए तो आपको पता होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने से वो चीज इतनी बार जाए कि आपको उसकी मीनिंग पता चल जाए, क्योंकि यही सब टर्म्स आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हमेशा आते रहेंगे। तो अगर आप एक बार समझा नहीं आपने तो फिर वो सेकेंड ईयर में आएगा, थर्ड ईयर में आएगा, तो वो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो, इससे अच्छा है कि आप सीख जाओ। और बेसिक श्लोका जो भी आपके सीनियर्स या टीचर बताते हैं उनके साथ आपको यही ट्रिक अपनानी है। और मैंने अपनी अष्टांग की बुक में और क्रियाशारी की बुक में मैंने सेम ये चीजें की थी। आप अगर मेरी फर्स्ट ईयर की बुक देखोगे तो मैंने इतनी सारी मीनिंग्स लिखी हुई हैं उनमें, हर जगह मैंने मीनिंग्स लिखी हुई हैं। सो अगर मुझे ऐसा कोई ऐप मिलता है जिसके थ्रू आप सीख सकते हो और उनको ट्रांसलेट कर सकते हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अष्टांग के लिए मैंने बुक्स वाले वीडियो में आपको एक ऐप भी दिया था लिंक, जिसके थ्रू आप पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन देख सकते हो। प्ले स्टोर पर वो ऐप अवेलेबल है तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो आप देख सकते हो। संहितास को आपको समझ समझ के ही पढ़ना है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहती है। अगर कब तक भागोगे श्लोका से? आपने चलो एक साल देख लिया कि चलो मैं मीनिंग लिख के आऊंगा, मुझे श्लोका भी लर्न करने, सेकेंड ईयर में भी ऐसा किया, बट कब तक आप ऐसा करोगे? अगर आपको पीजी का एग्जाम क्रैक करना है तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो श्लोका से फ्रेम्ड होते हैं, तो आज नहीं तो कल तो आपको वो चीजें याद करनी है, तो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट ईयर से वो हैबिट डेवलप करो तो वो अच्छा रहता है। स्टार्टिंग में हमें ये सब कोई नहीं बताता है, बट ये सब चीजें सीखने में मुझे भी बहुत टाइम लगा, और अब मैं सोचती हूँ कि फर्स्ट ईयर से मुझे वो हैबिट डेवलप करनी थी तो वो बहुत अच्छा रहता। और वापस से अगर आपको मेहनत नहीं करनी है, फोर्थ और थर्ड ईयर में जाके अपना फर्स्ट ईयर खोल के नहीं पढ़ना है, तो इट्स बेटर कि आप अभी से उसको एज अ चैलेंज लो और अच्छे से पढ़ो। थर्ड थिंग इज ऑलवेज चूज अ राइट बुक। ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपने टाइप की बुक लेनी है, टेन के साथ नहीं जाना है कि हमारे सीनियर्स ने पढ़ी थी बीडीसी तो हम भी बीडीसी पढ़ेंगे, हम विश्राम सिंह नहीं लेंगे। तो आपको ये देखना है कि आप किस बुक के साथ बेटर जा रहे हो, आपके लिए क्या अच्छा है। ये नहीं कि अगर किसी ने आपको सजेस्ट कर दी तो आपको वही बुक लेनी है, आपको देखना है। मुझे मैं आपको बताऊंगी, ये सजेस्ट करूंगी कि एडमिशन लेने के बाद 10 से 15 दिन आपको लेना है और देखना है कि क्या क्या बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है और वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, किसमें सीसीएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और मतलब किसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सा इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपके काम की नहीं है। तो हर एक बुक रिव्यू करनी है, और जरूरी नहीं है कि जो पास में चली आ रही है वही बुक लेनी है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे बुक्स आ गए हैं। ये हो सकता है कि आपके सीनियर्स ने वो बुक नहीं पढ़ी हो, उनके टाइम वो नहीं चलते हो, बट आपके टाइम में आ गए हैं तो आपको वो बुक लेनी है। तो आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल है, यूट्यूब के सजेशन देख सकते हो, यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोज हैं बुक्स से रिलेटेड, यूट्यूब पे देख सकते हो, अपने सीनियर से पूछ सकते हो एंड ऑल्सो आप टीचर से पूछ सकते हो। तो इसके बाद आपको कंक्लूजन निकालना है कि आपको बुक कौन सी लेनी है, और क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे लगता है कि बुक्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी बुक के साथ चल जाएगा बट ऐसा नहीं होता है। फाउंडेशन डेवलप करने के लिए हमेशा आपको अच्छी बुक लेनी है जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। That's all for today's video. If you like this video, then take a moment and hit the subscribe button and keep watching my videos. Bye bye.